बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का एक इंडर एक्टिविटी टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रचनात्मक गतिविधि के माध्यम से ओरिगामी सीखेंगे। ओरिगामी एक पारंपरिक जापानी कला है जिसमें कागज को मोड़कर सजावटी सामान बनाया जाता है। तो बच्चों, इसमें हम जानेंगे समुद्री जानवर के बारे में, मतलब जो जानवर समुद्र में रहते हैं। फिर जानेंगे जमीनी जानवर के बारे में, यानी जो जानवर जमीन या धरती पर रहते हैं। और साथ में जानेंगे अभयचर जानवरों के बारे में, यानी एम्फीबियंस, जो जानवर समुद्र और धरती दोनों जगह पे रहते हैं। तो जानते हैं इस गतिविधि को करने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है। तो हमें आवश्यकता है रंगीन कागज की। तो आइए बढ़ते हैं इस मजेदार गतिविधि की ओर। बच्चों, आइए जानते हैं कि बिल्ली की ओरिगेमी कैसे की जाए, जो कि एक भूमि का जानवर है। एक कागज लें और उस पर क्रीज बनाने के लिए उसे आधा मोड़ लें। कागज को फिर से आधा मोड़ें। बच्चों, अब कागज को खोलें और एक बार दाहिनी ओर और एक बार बाहिनी ओर से उसे क्रीज बनाने के लिए फिर से मोड़ें। अब उस पेपर को ऊपर की ओर से नीचे की ओर थोड़ा सा मोड़ें और वीडियो में बताए अनुसार उस कागज पे बिल्ली का चेहरा बनाएं। आइए बच्चों, अब हम जानेंगे कि मेंढक की ओरिगेमी कैसे की जाए, जो कि जमीन और पानी दोनों का जानवर है, जिसे अभयचर कहा जाता है, यानी एम्फीबियन। तो बच्चों, एक कागज लें और वीडियो में बताए अनुसार कागज को क्रीज बनाने के लिए दो बार मोड़ें। अब कागज को उसकी केंद्र रेखा यानी सेंटर पॉइंट से मिलाने के लिए फिर से मोड़ें। बच्चों, एक बार फिर से सेंटर पॉइंट से मिलाने के लिए यानी केंद्र रेखा से मिलाने के लिए कागज को मोड़ें। बच्चों, कागज को एक बार फिर से मोड़ें ताकि वो केंद्र रेखा से मिल सके। इस बार कागज को बिंदीदार रेखा पर मोड़ें और अब कागज को पलटें। बच्चों, अब कागज पर हरा रंग करें और वीडियो में बताए अनुसार उस पर मेंढक का चेहरा बनाएं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की मजेदार गतिविधि ओरिगामी, जिसमें हमने कागज को मोड़कर सजावटी सामान बनाना सीखा। हम आशा करते हैं इस गतिविधि में आपको मजा आया होगा। तो जानते हैं इस गतिविधि को करने से हमने और क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा समुद्री और धरती के जानवरों के बीच का अंतर, साथ ही कैसे कागज का रचनात्मक उपयोग करके सजावटी सामान बनाया जा सकता है। तो इसका अभ्यास घर पर जरूर कीजिएगा, साथ ही नई गतिविधियां सीखने के लिए हमारी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नई और मजेदार गतिविधि के साथ।